कोरोना वायरस से लॉकडाउन ने हर इंडस्ट्री का बुरा हाल कर दिया है। बॉलीवुड फिल्मों की भी ना शूटिंग हो पा रही है ना प्रोडक्शन, और सिनेमा घर बंद होने के चलते फिल्में रिलीज भी नहीं हो पा रही हैं। कई बड़ी फिल्में तो अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं। अक्षय कुमार की बात करें तो उनकी फिल्में भी लॉकडाउन के चलते किसी न किसी जगह पर फंसी हुई हैं। अक्षय कुमार की कोई फिल्म शूटिंग का इंतजार कर रही है तो कोई रिलीज होने का, तो वहीं किसी फिल्म का प्रोडक्शन ही अभी बाकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि अक्षय कुमार पर लॉकडाउन का काफी असर देखने को मिल रहा है। अक्षय कुमार की पीरियड ड्रामा फिल्म पृथ्वीराज इसी साल दिवाली पर रिलीज होने वाली है, लेकिन फिलहाल फिल्म का 50% काम अभी बाकी है। फिल्म में अक्षय कुमार राजपूत पृथ्वीराज चौहान की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म से मानुषी छिल्लर बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं, जो कि संयोगिता का रोल प्ले करेंगे। वहीं दोस्तों लक्ष्मी बम एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार किन्नर के रोल में नजर आने वाले हैं। अक्षय कुमार की इस फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है जो कि फाइनल होने वाला है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ कियारा आडवाणी नजर आने वाली हैं। खबर यह है कि यह फिल्म डिजिटली रिलीज हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर अक्षय कुमार की यह फिल्म कहाँ रिलीज होगी। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के मेकर्स फिल्म को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज कर सकते हैं। मिड्डे की एक रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस मामले में विचार कर रहे हैं, हालांकि अभी फिल्म रिलीज पर मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी आना बाकी है। सोर्सेज ने कहा है कि अभी फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है, जिसमें एडिटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, मिक्सिंग आदि शामिल है। टीम घर से काम कर रही है, हालांकि इससे काम में वक्त ज्यादा लग रहा है। फिल्म जून तक तैयार हो सकती है। बता दें अक्षय की यह फिल्म 22 मई को रिलीज होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस ने इस फिल्म पे अपना ग्रहण लगा दिया है। सिनेमा हॉल सोशल डिस्टेंसिंग को सुनिश्चित करने के लिए बंद हैं, जिसके कारण निर्माता फिल्म को रिलीज करने के लिए अगले साल का इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब को OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज करने की योजना बन रही है। इस खबर से फैंस के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई इस खबर से खुश है तो कई लोग इसका मजाक उड़ा रहे हैं। फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था, ऐसे में इस फिल्म का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना एक तोहफा होगा। गौरतलब है कि ये फिल्म साउथ की फिल्म मुनी 2 कंचना की रीमेक है, और इसमें कियारा आडवाणी, तुषार कपूर, तरुण अरोड़ा, शरद केलकर और अश्विनी कालसेकर भी हैं। तो क्यों दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो, ये फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो या फिर सिनेमाघरों में, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर कमेंट करें। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,